दोस्तों आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम होना कौन नहीं चाहता। बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, सबके सब फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। लेकिन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं और ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो और इनको फॉलो करने से आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित कुमार, स्वागत है सभी का आज के वीडियो में। टिप नंबर 1, कंटेंट क्रिएटिंग। काफी सारे लोग सारा दिन रील्स देखते हैं और फालतू की वीडियो देखने में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। ये जो रील्स देखना, फालतू की वीडियो देखना, इसको कहते हैं कंटेंट को कंज्यूमिंग करना। आप दूसरे क्रिएटर्स के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन इसी दिमाग को अगर आप कुछ सीखने में लगाओ, जैसे कि अगर आप अपने माइंड को सही रखना चाहते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी की वीडियो देख सकते हो, आप अदर स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो यूट्यूब वीडियो देखकर, जैसे वीडियो एडिटिंग की वीडियो देख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। इन सब चीजों को सीखने के लिए वीडियो को देखिए ना। आप फालतू की वीडियोस क्यों देख रहे हैं? फालतू की वीडियोस देखकर कंटेंट को कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? आप कुछ भी चीज सीखकर कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएट करना यानी कि आपको कुछ भी आता है, आप कैमरे पे वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने के बाद उसको यूट्यूब पे अपलोड करो और पॉडकास्टिंग कर सकते हो, इसको कहते हैं कंटेंट को क्रिएट करना। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करोगे तो इससे क्या होगा, काफी सारी चीजें सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, आप कैमरे को फेस करना जान जाओगे, वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे, तो आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो पहला है हमारा कंटेंट क्रिएटिंग, सेकंड है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। काफी सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, काफी सारे लोग आपके लिंक से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको कमीशन अर्न होता है। काफी सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग से 20,000, 30,000, 40,000 महीने के कमा रहे हैं। ना करने से बेटर है कि कोशिश करो। आप एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तीन बार फेल हो गए, लेकिन एक ना एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे। आपके अंदर पैशन है, आप इंटरेस्ट बेस पे काम कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप खुद से हार मान लोगे अपने आप से, एक होता है फेल हो जाना, एक होता है हार मान लेना। खुद से हार, अगर आप खुद से हार मान लेते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद से हार नहीं मानते, अपने आप को मजबूत रखते हो, अंदर से मजबूत रखते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फेल होना अलग बात है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे, ज्यादातर चांस होता है फेल होने के, आप उस काम को पहली बार कर रहे हो, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, आप एक ना एक दिन सक्सेस हो ही जाओगे। तीसरा है सर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करना सर, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, आपको वीडियो एडिटिंग आता है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, आपको कोई भी काम आता है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स है, उन पर आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, क्या नहीं सीख सकते, मल्टीपल चीजें हैं सीखने के लिए। अपने अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करो, लोग आपके काम से आपको जानेंगे, ना कि डिग्री से। आपकी डिग्री कोई काम की नहीं, आपको काम क्या आता है उसके बेस पे आपको काम मिलेगा। देन फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है? फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क है, फाइबर है, फ्रीलांसर है। ये 3 वेबसाइट पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट ले सकते हो, प्रोजेक्ट को हैंडल आउट कर सकते हो, वहां से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स सेलिंग, इन द सेंस आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हो। जैसे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स बनाइए, उसको ऑनलाइन सेल करिए। वीडियो एडिटिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसका कोर्स बनाइए और ऑनलाइन सेल करिए। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसका कोर्स बनाइए, ऑनलाइन सेल करिए। आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं तो उसका कोर्स बना करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो सीखिए, पहले लर्निंग देन अर्निंग। किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो उसी चीज को तो आप लोगों को सिखा पाओगे ना। ऑनलाइन कोर्स को सेल करने के लिए 2 वेबसाइट है, Udemy एंड Teachable। Udemy और Teachable, इन दोनों वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कोर्स को सेल कर सकते हो। टिप नंबर 5 सर, टिप नंबर 5 क्या है? फोटोज। आप फोटो शूट करके फोटोज को सेल कर सकते हो, डिजाइनिंग बना करके डिजाइनिंग को सेल कर सकते हो। आप ऑनलाइन फोटोज सेल करने के लिए 2 वेबसाइट हैं, 2 वेबसाइट कौन कौन सी है? Shutterstock और Adobe Stock। सर इन दोनों वेबसाइट पे आप ऑनलाइन फोटोज को सेल कर सकते हो, डिजाइनिंग को सेल कर सकते हो। आप इन 5 टिप को फॉलो करो, आपके अंदर स्किल्स भी इंप्रूव होगी और आप काफी चीजें सीख भी लोगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी भी इंप्रूवमेंट होगी। आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो। अगर आप किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहेंगे तो उस फील्ड में आपको कोई हरा नहीं सकता। आज आपको सक्सेस नहीं मिली, कल आपको जरूर मिल जाएगी। कंसिस्टेंट डेडिकेशन, ये आपकी सक्सेस है।
तो दोस्तों आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, देन अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।